बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करना है, जिसमें क्या प्रूव करना है, साइन जी होल कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू साइन जी कॉन्जुगेट। सबसे पहले आपने एक चीज़ लेट कर लेनी है और दूसरे को प्रूव कर देना है, या एक चीज़ को अलग प्रूव कर दें और दूसरे को अलग से प्रूव कर दें। सबसे पहले हमने क्या चीज़ कंसिडर करनी है, लेट कर लेना है कि यहाँ जी की वैल्यू क्या लें, एक्स प्लस अयोटा वाई लें, तो जी कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, एक्स माइनस अयोटा वाई आ जाएगा। सिमिलरली अब हमने पहले साइन जी लेना है, ठीक है, लेफ्ट साइड ले लेनी है। साइन जी का मतलब है साइन जी की वैल्यू पुट कर दें, एक्स प्लस आयोटा वाई। अब आपने फार्मूला तो याद होगा आप लोग को, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा वाला किसके इक्वल होता है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो फिर हम इसको किस तरह से ओपन करेंगे, साइन एक्स कॉस आयोटा वाई प्लस कॉस एक्स साइन आयोटा वाई। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि मैं यहाँ पे पहले बता देती हूँ आप लोग को कि कॉस आयोटा वाई इक्वल होता है, अगर हम आयोटा वाली टर्म को हाइपरबोलिक में चेंज करें तो कॉस आयोटा वाई डायरेक्टली चेंज हो जाता है कॉस हाइपरबोलिक वाई में, लेकिन साइन आयोटा वाई डायरेक्टली चेंज नहीं होता, उसके लिए आयोटा बाहर आता है और बाकी साइन हाइपरबोलिक वाई आता है। ओके, ये आप लोगों ने इस तरह से याद रखनी है, ये नज़र आ रही होगी आप लोग को। कॉस आयोटा वाई की जगह हम उसको हाइपरबोलिक में चेंज करें तो कॉस हाइपरबोलिक वाई होता है, और साइन आयोटा वाई को हम आयोटा साइन हाइपरबोलिक वाई में चेंज कर देते हैं। इट्स मीन जहाँ आयोटा वाली टर्म्स हैं वहाँ अपने हाइपरबोलिक में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, पहले साइन एक्स ही रहेगा, कॉस आयोटा वाई की जगह क्या आ गया, कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस कॉस एक्स, तो कॉस एक्स ही रहेगा। साइन आयोटा वाई का मतलब क्या है, आयोटा साइन हाइपरबोलिक वाई, तो आयोटा मैंने यहाँ लगा दिया और साइन हाइपरबोलिक वाई, ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। ये हमने क्या किया है, साइन जी, अब इसका होल कॉन्जुगेट लेना है। इसका मतलब क्या है, साइन जी का आपने दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले लिया, साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई। जब हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो क्या करते हैं, आयोटा वाली टर्म को नेगेटिव में चेंज कर देते हैं, पॉजिटिव हो तो नेगेटिव, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव, ठीक है, ये एक चीज़ प्रूव हो गई है। अब हमने इसी तरह से दूसरी वाले को प्रूव करना है। नाउ साइन जी कॉन्जुगेट क्या होता है, यानी साइन जी कॉन्जुगेट का मतलब आपने ये वैल्यू पुट करनी है, एक्स माइनस आयोटा वाई, उसी तरह से इसको ओपन करना है, या माइनस है तो फार्मूले में माइनस आ जाएगा, साइन एक्स कॉस आयोटा वाई माइनस कॉस एक्स साइन आयोटा वाई। ओके, अब हमने उसी तरह से आयोटा वाली टर्म को हाइपरबोलिक में चेंज कर देना है, साइन एक्स कॉस वाला तो कॉस ही रहेगा, साइन वाले की वजह से यहाँ आयोटा बाहर आ जाएगा, साइन हाइपरबोलिक वाई। इसको इसके साथ कंपेयर कर लें, अब आप इसको वन का नाम दे दें, इसको टू का नाम दे दें, फ्रॉम वन एंड टू साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई पहली वैल्यू सेम है, दूसरी भी सेम है, इट्स मीन के साइन जी होल कॉन्जुगेट इक्वल है साइन जी कॉन्जुगेट, ठीक है, ये इसका एक पार्ट है। इसी तरह से अगर आपके पास और क्वेश्चन आ जाए तो अब तब आपने यही काम करना है, टेन आ जाए तो आपने उस पर टेन वाला फार्मूला अप्लाई करना है, फार्मूले आपके दिए होंगे वहाँ पे। अब हमने एक क्वेश्चन और करना है जिसमें हमने प्रूफ करना है, इसी का फोर्थ पार्ट है, ठीक है, उसमें हमने प्रूफ करना है कि साइन ऑफ माइनस जी इक्वल होता है माइनस साइन जी, ठीक है, इसको कैसे प्रूफ करेंगे, एक चीज़ लेंगे दूसरी खुद ही प्रूव हो जाएगी। जी की वैल्यू आपने यहाँ वो नहीं लिखनी, ठीक है, कॉन्जुगेट के लिए तो हमने इस तरह से एक्स और वाई वगैरह लेट कर लिया था। अब साइन ऑफ जी का मतलब होता है, आप लोगों ने पिछले भी क्वेश्चंस किए हैं उसमें भी वैल्यूज़ पड़ी होंगी, साइन थीटा की वैल्यू होती है ई पावर आयोटा थीटा माइनस ई पावर माइनस आयोटा थीटा ओवर टू आयोटा, याद होगा आपको। इसी तरह से हमने इस चीज़ को लेना है, सबसे पहले लिखना है साइन ऑफ माइनस जी, यानी इसका एंगल अब माइनस में है, तो ई की पावर इसका मतलब यहाँ पे माइनस जी आ जाए तो हम जी लगाते हैं, अगर आयोटा थीटा आ जाए तो हम थीटा लगाते हैं, तो यहाँ माइनस है तो इसलिए माइनस आयोटा जी, साइन की वजह से बीच में माइनस आता है, माइनस ई रेज टू पावर माइनस इनटू माइनस आयोटा जी, एक ये फार्मूले वाला माइनस, एक ये एंगल की वजह से माइनस ओवर टू आयोटा। ओके, अब हमने उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाली टर्म तो वैसे ही रहेगी, ये बन जाएगी प्लस आयोटा जी ओवर टू आयोटा। अब अगर हमने प्रूफ करना है साइन, इसका मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू पहले आनी चाहिए, नेगेटिव बाद में आनी चाहिए, तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ ऊपर से तो अंदर बच जाएगा
ई रेस टू, ये टर्म पहले आ जाएगी ई रेस टू पावर आयोटा जी, और इसके साथ माइनस आ जाएगा आयोटा जी ओवर टू आयोटा। इस वाली सारी वैल्यू को देखें तो ये सारी वैल्यू किसकी होती है, साइन जी की। इट्स मीन ये किसके इक्वल है, माइनस साइन जी की। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया कि साइन ऑफ माइनस जी किसके इक्वल होता है, साइन जी के। ठीक है, इसी तरह से इसके बाकी पार्ट्स भी हैं। अगर हाइपरबोलिक आ जाएगा तो फिर हम यहाँ क्वेश्चन के अंदर आयोटा नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने ये फार्मूले याद रखने हैं। साइन ऑफ थीटा किसके इक्वल था, ई रेस टू पर आयोटा थीटा माइनस ई रेस पर माइनस आयोटा थीटा ओवर टू आयोटा। कॉज वाले में सिर्फ टू आता है। इसी तरह से अगर आपके पास हाइपरबोलिक वाली वैल्यूज़ आ जाएँ तो वहाँ पर आपके पास फार्मूला बन जाएगा, आयोटा ख़त्म हो जाएगा वहाँ। सिंपल आपने जैसे साइन हाइपरबोलिक माइनस जी हो तो ई रेस टू पर माइनस जी माइनस ई रेस पर माइनस इंटू माइनस जी ओवर टू, आयोटा नहीं आएगा। ठीक है, बाकी पार्ट्स आप लोगों ने खुद ट्राई करने हैं क्वेश्चन नंबर 3 के।